हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप एक लोगो कैसे बना सकते हो। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा पिक्सल लैब और PSCC का, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो में जो भी हम फंट यूज़ करेंगे उसका भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो भी इफेक्ट यूज़ करेंगे उसका भी पैकिंग में है दोनों सब कुछ। और पासवर्ड नहीं है तो आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना, पासवर्ड का टेंशन मत लेना, क्योंकि हम पासवर्ड देते हैं, इसमें पासवर्ड नहीं दिए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको आ जाना है पिक्सल लैब में। उसके बाद आपको एक ऐड करना है सर्कल, जो कि पैक में है। सर्कल ऐड करने से आपको क्या होगा, जब आप टेक्स्ट को जब गोल करोगे मतलब कर्व करोगे तो आपको आसानी होगा पता चल जाएगा कितना आपको कर्व करना है। उसके बाद आपको अपना टेक्स्ट ऐड कर लेना है प्लस आइकन पर क्लिक करके। जो भी आपको अपना लोगो पे टेक्स्ट डालना है वो आप लिख लेना। उसके बाद आप फंट यूज़ करना जो कि पैक में है, पहले बड़ा कर लेना देखो टेक्स्ट को थोड़ा सा। उसके बाद आप फंट में आ जाना और माय फंट में चल जाना, और आपका लेमन मिल्क बोल्ड नाम का फंट होगा आपको वो यूज़ करना है, ठीक है। और देखो यार ये हिल लेगा अगर सर्कल, तो आप यहाँ पे लेयर पे क्लिक करके आप इसको लॉक कर लेना, आपको आसानी होगा, हिलेगा नहीं। उसके बाद टेक्स्ट पर क्लिक कर लेना, टेक्स्ट आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करना है, यहाँ पे कर्व पे आ जाना और ये ब्लेंडिंग को आप माइनस कर लेना, -50 इतना अच्छा लगता है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आपको देते हैं फिर -50 करोगे तो अच्छा लगेगा। उसके बाद आप क्या करना है, बैकग्राउंड को ट्रांसफर कर लेना। उसके बाद सर्कल को आप डिलीट कर लेना। उसके बाद आप इमेज को सेव कर लेना। आपको आ जाना है PSCC में। उसके बाद आपको क्या करना है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाना है 2000x2000 का, देखना आपका 1:1 रेशियो कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको ऐड कर लेना है, पैक में बहुत सारा है लोगो, अब अपना भी यूज़ कर सकते हो, पैक में भी है बहुत सारे अच्छे अच्छे, तो आपको यूज़ कर लेना अगर आपको नहीं मिल रहा या आपने ढूंढने का मेहनत नहीं करना चाहते। उसके बाद आप अपना टेक्स्ट ऐड कर लेना जो कि आपने अभी पिक्सल लैब में बनाया है। उसके बाद ऐड कर लेना। उसके बाद क्या करना, आप इसको फोटो लाइब्रेरी से वापस आप अपना वो सर्कल ऐड कर लेना जो कि आपको वापस काम आएगा, क्या पता अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा रोटेट करना है और थोड़ा सा टेक्स्ट अगर वहाँ पे अगर नहीं हुआ सही तो कर सकते हो आप इससे। और अगर आप टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेना। उसके बाद क्या करना है, सेलेक्ट पिक्सल करना है टेक्स्ट को। उसके बाद बैकग्राउंड पे आके लेयर फ्रॉम सिलेक्शन कर लेना, उससे आपका निकल जाएगा। उसके बाद आपको व्हाइट वाला टेक्स्ट उसको डिलीट कर लेना, और जो लेयर फ्रॉम सिलेक्शन करके आप जो लेयर निकाले हो उस पर आपको एम्प्टी लेयर एक क्रिएट कर लेना, उसके नीचे कर लेना। उसके बाद सेलेक्ट पिक्सल करना उसको। उसके बाद नीचे वाले लेयर पे आके ट्रांसफॉर्म कर लेना, एक्सपेंड को 3 आप कर लेना 3 पिक्सल तक, ठीक है। उसके बाद क्या करना, फिल कर लेना। उसके बाद कलर आप रेड, जो भी आपका लोगो का कलर से मैच करेगा, ब्लू है ब्लू कर लेना, रेड है मेरा रेड दिख रहा है रेड कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, डुप्लीकेट लेयर कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे इफेक्ट में स्टाइलिश में जाके क्या करना है, इफेक्ट डाल देना है ग्लास वाला, और यहाँ अमाउंट आपको जितना बढ़िया लगे आप उतना दे देना अच्छा से, जितना आपको अच्छा लगे। उसके बाद क्या करना, दोबारा इसको डुप्लीकेट लेयर करना। उसके बाद इस बार आप इसमें ब्लर डाल देना, बेसिक में जाना ब्लर डाल देना, जिससे आपको ग्लो इफेक्ट मिल जाएगा। देखो जितना आपको अच्छा लगे आप उतना ही क्या करना, कि आपके मन के ऊपर है, क्योंकि मेरे को अच्छा लगने से नहीं होगा, क्योंकि हमको इस्तेमाल नहीं करना, आपको इस्तेमाल करना है, तो आप अपने हिसाब से बनाना, ठीक है। उसके बाद आप ट्रांसफॉर्म करके टेक्स्ट को नीचे कर लेना, देखो अब हो गया बढ़िया लग रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा पार्टिकल्स ऐड करना है टेक्स्ट को, लेकिन सही से रखना जो देखने में बढ़िया लगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है स्मोक इफेक्ट और एक फायर जैसा इफेक्ट कुछ आता है जो कि थंबनेल में यूज़ होता है ज़्यादातर, आप लोगों में भी यूज़ कर सकते हो, अच्छा लगेगा बढ़िया लगेगा पैक में है ये। आप क्या करना है, इसको सही से बड़ा कर लेना थोड़ा सा। उसके बाद आप क्या करना है, एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करना। उसके बाद सेलेक्ट पिक्सल कर लेना उस पर, और एम्प्टी लेयर पर आकर आप यहाँ पर फिल कर लेना कलर लोगों का, जो भी कलर रहता है रेड कलर का है रेड कर लेना। उसके बाद क्या करना, वापस उस लेयर पे आके जो कि आपने ऐड किया उसको ब्लैक एंड वाइट कर लेना। उसके बाद रेड पे जाके कलर वाले पे जाके ओवरले कर देना, जिससे आपका रेड कलर हो जाएगा वो। उसके बाद आप इसको स्क्रीन कर लेना, देखो ऐसा इफेक्ट आ जाएगा बढ़िया लगेगा लोगों फिर और ज़्यादा। उसके बाद आपको क्या करना है, स्मोक इफेक्ट भी अगर आपको चाहिए तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना कि आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा देना है ठीक है, बड़ा करके एक बार। उसके बाद एम्प्टी लेयर क्रिएट करना और रेड कलर वापस से आप फिल कर लेना।
एम्प्टी लेयर में, और दोबारा ओवरले कर लेना इसे, ओवरले कर लेना यार, ओह क्या हो रहा है, ओवरले कर लेना, उसके बाद मर्ज डाउन कर लेना, उसके बाद आप स्क्रीन कर लेना, और जितना अच्छा लगे आप उतना ही देना। आप इसको नीचे करके इफेक्ट को कम कर सकते हो, जैसे हल्का सा स्मोक इफेक्ट आए और लोगो बन गया है। तो आज की वीडियो के इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।